साधे साथी। अरे भैया क्यों जोखिम उठा रहे हैं? बस थोड़ी देर और नियंत्रण कर लीजिए। अरे नहीं हो रहा कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं हो रहा हमें। गुरुजी का एक मंत्र है, उसके जपने से कोई भी इंसान दो दिनों तक नियंत्रण रख सकता है। हमने जयपुर के आश्रम में सारे ब्रह्मचारी भक्तों ने मिलकर ऐसे ही नियंत्रण रखा था। ए, चुप कर, धीरे धीरे फट जाएगा। एक तो अभी तक बॉम्ब स्क्वाड वाले नहीं आए, ऊपर से एकलव्य को भी ना अभी तक गम छुड़ाने का सलूशन नहीं मिला है। और ये अप्पू को अभी तक काला कपड़ा नहीं मिला क्या? अरे लेकिन मैंने कहा था ना, वहाँ बाथरूम में मैं मेरी आंखें बंद कर लूंगा, काली पट्टी आंख में बांधने की क्या जरूरत है? जरूरत है गुरुजी। अबे चुप कर। आइडिया, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करने का आइडिया मिल गया। ये पानी, आप लोग पानी में डूब मरिए, मतलब अपने हाथ पानी में डाल दीजिए। पानी में जाते ही बॉम्ब अपने आप फूस हो जाएगा। याद है पिछली दिवाली पे कितने अपने पटाखे पानी में जाते ही अपने आप फूस हो गए थे? वो तो वैसे भी नहीं फटते थे, वो पापा मार्केट से सस्ता माल उठा के लाते हैं ना। अरे पिताजी डाल दीजिए पानी में हाथ, हम बता रहे हैं ना, गुरुजी का नाम लेके डाल दीजिए, बॉम्ब पक्का फूस हो जाएगा। और नहीं हुआ तो बॉम्ब फट जाएगा। दो ही तो ऑप्शन है। नहीं 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 नहीं, ये रिस्क नहीं ले सकते पापा, हम लोग बॉम्ब को उड़ाने का वेट करते हैं, वही करेक्ट सोल्यूशन है। अरे हम वेट नहीं कर पाएंगे, टूट नहीं, नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम इधर ही खड़े रहेंगे, बाथरूम में नहीं जाएंगे। पिताजी हमें जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे। जाऊंगा। नहीं जाएंगे। जाऊंगा। नहीं जाएंगे। मिनट, मेरे पास एक आइडिया है, ताश की गड्डी निकाल कर डिसाइड करते, जिसका पत्ता बड़ा आया उसकी बात मानी जाएगी। निकालो गधे। अरे सॉरी, आपके हाथ तो चिपके हुए हैं ना, कैसे निकालेंगे? चलिए पिताजी। नहीं नहीं, फट जाएगा बॉम्ब। सरगम की ये सारे साथी। जी हाँ, हम इस वक्त वहाँ है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या है ये? हाँ तो ये वो जगह है जहाँ बॉम्ब कभी भी फट सकता है। तो बाप बेटे जो जज्बात से नहीं, हालात से नहीं, बातों से नहीं जुड़ गए हैं हाथों से, जिनके हाथ में है बॉम्ब। ये वही बॉम्ब है जो गायब हुआ था कचरे के ढेर से और मिला गाजियाबाद के अवस्थी निवास में। आप देख सकते हैं सुरक्षा को देखते हुए हमारी पुलिस ने किस तरह पूरे मोहल्ले के अंदर घेराबंदी कर दी है और पूरे मोहल्ले को खाली करवा दिया है। यूं तो बाप बेटे चिपके हैं, लेकिन जो नहीं चिपके हैं वो घर के अंदर चिपके हैं। आओ घर के। अरे किसकी स्कूटी है? तू क्या स्कूटी के ऊपर जा रहा है, मेरे ऊपर आना। हाँ, जो नहीं चिपके हैं वो घर के अंदर है। अरे ये है हिंदुस्तानी परिवार, जो साथ खाता है, जो साथ खेलता है, जो साथ पीता है, जो साथ में फटता है, जो हर जगह साथ 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 साथ। अरे अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, मुझे अंदर जाने दीजिए, वो मेरी बहुत खास है। खास, खास, वो कैमरा खास है, वो कैमरा खास है। अब छेदी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। सरगम, हाँ तुम हिम्मत रखना, ये पुलिस वाले ना और ये सब लोग मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, वरना मैं ही आकर अंदर चाय बना लेती और शक्कर आपसे ही लेती। नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। अरे आपके लिए नहीं जी, उनके लिए। ये औरत सबके सामने लाइव टीवी पे छेदी छेदी कर रही है, अरे कोई बंद करवाओ इसे। तो मैडम कहना चाहते हैं कि हिम्मत रखे, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट। पापा आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, इससे पहले कि बॉम्ब छोड़ लाए कुछ खा लीजिए ना। अपू नहीं, हमने खा लिया। अरे ये कह रही है मुझे खिलाओ आकर। मैंने खा लिया है, सॉरी। लेकिन ये बम स्कॉट वाले आएंगे कब तक? 50 मिनट रह गए हैं सिर्फ। अरे अभी अभी खबर मिली है कि बॉम्ब स्क्वाड वाले आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि अभी अभी पता चला है कि बॉम्ब स्क्वाड आने वाला है, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड बाबा नहीं है। स्कूटी किसकी है, किसकी है, किसकी है? मेरी है स्कूटी। मैडम ये कोई जगह है स्कूटी लगाने की? देखा, रिपोर्टर भी कह रहा है कि ये स्कूटी लगाने की जगह है। अरे जिनकी जगह है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? झूठ बोल रही है। अरे हमें प्रॉब्लम है, हटाओ इसकी स्कूटी यहाँ से। देखिए स्कूटी तो बिल्कुल नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। टीवी पे लाइव मुझे मना कर रही है,
अभी जाके उसकी स्कूटी। अरे धीरे धीरे, तार हिल जाएगी बेटा, तार हिल जाएगी। ये बॉम्ब के साथ जाके उसकी स्कूटी पे बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे स्कूटी नहीं हटाती है वो। अरे वो लोग वहाँ पर बॉम्ब को लेकर परेशान है, बॉम्ब को। हाँ। और आप है कि मेरी प्यारी सी स्कूटी के पीछे पड़े हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी स्कूटी यहाँ से नहीं हटेगी, मतलब बिल्कुल नहीं हटेगी। अरे बंद हटा लेगी, कम से कम बताओ तो सही। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, बहुत जल्दी नहीं जा सकते। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम है? पॉइंट टू पॉइंट न्यूज में आप देख सकते हैं कि कैसे बताया जाएगा जरूरी काम है, बताइए सर। देखे जी, मुसीबतें जीने नहीं देंगे पर गुप्ता मरने नहीं देगा। देखिए मैं टीवी पे दस्तखत नहीं ले सकता, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी इनके घर में तो साढ़े साथी लगी रहती है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनके घर में साढ़े साथी लगे नहीं जा सकते। इनका कहना है, आइए। लो आ गया गुप्ता मेरी दुकान हड़पने। अरे कोई बाहर निकालो इसे। अरे पिताजी शांत हो जाइए, यहाँ टीवी की ओर चिल्लाने से बाहर नहीं सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई तार खींच गई ना तो बम फट जाएगा ना, वो जरूर सुन लेंगे बाहर। गाड़ी आ गई। बॉम्ब स्क्वाड की टीम आ चुकी है। सर प्लीज बताइए, क्या आप बॉम्ब डिफ्यूज कर पाएंगे, अंदर फंसे दो बाप बेटों को बचा पाएंगे? बताइए ना सर, प्लीज बताइए सर जी। देखते हैं। देखते हैं, श्योर नहीं है, आप भी देखते रहिए। सर और कुछ बताइए, आप हटिए, हम देखते हैं। पापा, बॉम्ब स्क्वाड वाले आ गए। चलो चलो चलो, आ गए आ गए। संभाल के संभाल के, जाके देखो उधर। तीस मिनट में हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा। मुसीबतें जीने नहीं देंगी, गुप्ता मरने नहीं देगा। गुप्ता रे पिताजी, फट जाएगा। अरे गुप्ता जी, आपने बॉम्ब स्क्वाड ज्वाइन कर लिया? अरे नहीं, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अरे नहीं नहीं, वो जो बाहर बॉम्ब स्क्वाड वाले हैं ना, मैं उनकी ड्रेस पहन कर अंदर आया हूँ। ऐसे अंदर आने नहीं दे रहे थे ना। नाइस आइडिया। बॉम्ब स्क्वाड आ चुकी है, अब वो ड्रेस पहन के बॉम्ब डिफ्यूज करने जाएंगे। अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? ब्रेकिंग न्यूज, बॉम्ब स्क्वाड के कपड़े गायब हो गए। आइए देखते हैं। अजीब मोहल्ला है, पहले कोई कच्चे से बॉम्ब ले आता है, अभी बॉम्ब स्क्वाड के कपड़े गायब कर देता है। सर अब आप क्या करेंगे बताइए? देखते हैं। देखते हैं, फिर उन्होंने कहा देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि वो क्या देखते हैं। देखते रहिए पॉइंट टू पॉइंट न्यूज़। तो आप यहाँ क्यों पटने आ गए? मैं तो छेदी जी के साइन लेने के लिए अंदर आया हूँ। ओ छेदी जी, वो दुकान मेरे नाम, वो देखिए ना, ये जो भी हो रहा है ये सब ऊपर वाला कर रहा है, हम लोग तो बस उसके प्यादे हैं। सब लिखा हुआ है, आपका बम से चिपकना, इसका आधे घंटे, 27 मिनट में फटना, सब लिखा हुआ है। तो आप भी बम फटने से पहले ये दुकान मेरे नाम पे लिख दो। वैसे भी आप दोनों के बाद इनमें से किसी से दुकान तो चलनी है नहीं। मैं अच्छा रेट दे रहा हूँ, साइन कर दीजिए। अब मैं उठने वाला हूँ, फटने दो। अरे गुप्ता ये हाथ चिपक गए मेरे, यहाँ कैसे करूँ साइन? मुसीबतें जीने नहीं देंगी, गुप्ता मरने नहीं देगा। अरे इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, मैंने इसके वकील दोस्त प्रशांत से बात कर ली है, अगर आप वीडियो भी बना के दे देंगे ना तो वो भी कोर्ट में चल जाएगा। गुप्ता
तू अभी के अभी बाहर जाएगा और ये ड्रेस बॉम्ब स्क्वाड वाले को वापस करेगा, वरना मैं इस बॉम्ब से तुझे भी चिपका देता हूँ। चल साथ में जाते हैं ऊपर, चल चल जल्दी जाइए। क्या क्या हुआ, जाना है? नहीं, कंट्रोल कर लूंगा मैं, मुझे जाना है। यार कितना टाइम। आएगा आएगा आएगा। तो आएंगे। अरे आ गए। चलो 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 चलो, इधर सुबह से रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा, काटनी पड़ेगी। हाँ हरी पीली नीली कोई तो तार काटनी पड़ेगी ना, देखते देखते। ये पापा क्या पता नहीं, देखते देखते। अरे ये तो सचमुच देखने लग गए, मुबारक हो। देख रहा हूँ कौन सा वाला बॉम्ब है। अरे फटने वाला बॉम्ब है, और कौन सा बॉम्ब है? हा? जल्दी करो भाई। ठीक है। वाह गुरुजी। अरे ऊपर मत देखो, यहाँ देखो, भटका रहा है तू उसका ध्यान। वो अपने गुरुजी को याद कर रहे होंगे, करने दीजिए। अरे भैया चुप। हे भाई उधर देख के काटना। अरे कौन सी तार काट रहे हो? अरे आप डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। अरे सिर्फ पूछ तो रहा था, इनसे कहे ना मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे। हाँ लेकिन कोई तो कलर होगा दिमाग में, ये ऐसा तो नहीं कि साड़ी की दुकान में चले गए और जो कलर दिखा वो पसंद कर लिया। सोच रहा हूँ पीली काट दूँ। सोच रहा हूँ पीली काट दूँ, मतलब आपको पता नहीं कि कौन सी काटनी है? अरे आप नर्वस कर रहे हैं मुझे। नर्वस तो भाई साहब आप हमें कर रहे हैं। शांत शांत दद्दू शांत, आप एक काम कीजिए, लाल वाली काट दीजिए। इना हो पाई भाग छे में टॉम भैया ने लाल वाली ही काटी थी। इना हो पाई भाग छे? अरे मिशन इम्पॉसिबल 6 ये भोजपुरी डबिंग देखते हैं, उसमें टॉम क्रूज वाले लाल तार काटी थी। ठीक है तो लाल काट देता हूँ। अरे भैया तुमसे हो पाई के नहीं हो पाई, कभी पीली कभी लाल। हाँ मतलब कैसे एक्सपर्ट हैं आप, आपको पता नहीं कौन सी काटनी है, तुक्का लगा रहे हैं। अरे शक्ल से ये नौसिखिया लग रहा है। हाँ। अरे मैं नौसिखिया नहीं आता, मुझे नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं है, गिटारिस्ट बनना था मुझे, म्यूजिशियन बनना था, पर मेरे पापा ने ऐसी नौकरी लगा दी मेरी। इस देश में टैलेंट की कोई कदर है ही नहीं ना। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, मुझे भी एक्टर बनना था, मुंबई जाना था, मेरे पापा ने भी नहीं जाने दिया। आज देखो गाजियाबाद में क्या कर रहा हूँ, साड़ियाँ बेच रहा हूँ। जब काम में मन नहीं लगता तो ऐसा ही होगा ना दोस्त। अरे भाई थोड़ी देर के लिए मन लगा ले, 3 ही मिनट बचे हैं बस। फिर ना हम आपको गिटार खरीद के देंगे, लेकिन अभी प्लीज काटिए। हाँ बेटा हिम्मत रख, तू कर ले तू कर ले। ओके मुझे लगता है कैंची होनी चाहिए। नहीं कैंची मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे होगा, भरोसा होता है ना तो सब कुछ हो जाता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी भी घर पे ना पिज्जा नहीं बना पाऊंगी, लेकिन 12 जनवरी 2017 को मैंने कर दिखाया था। आपको डेट भी याद है? हाँ उस दिन हमारी दंगल एनिवर्सरी थी,
12 जनवरी को ही पहली बार हम सब लोग साथ में आमिर खान की दंगल मूवी देखने गए थे। छोटी छोटी बातें खुशियां बड़ी बड़ी। भाई तू भी इन छोटी छोटी वायरों में से एक वायर काटने का बड़ा फैसला ले ले भाई। तेरे मन की जो चाहत है वो काट। तोहफे लाला है, पीली काट दे तो। बच गए? अरे बच गए? नहीं नहीं नहीं, टिकटिकी चालू है। लगता है लाल ही काटनी चाहिए थी। लाल 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 लाल। बच गए? बच गए? नहीं नहीं नहीं, अरे लाल काटी फिर भी टिकटिकी चालू है। अरे मतलब अब तो सिर्फ एक ही वायर बची है, नीली वाली। और 30 सेकंड बचे हैं, क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग जाओ, पिताजी तुम लोग निकल जाओ। बाबूजी पिताजी निकल निकल यहाँ से। पिताजी बाबूजी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। निकल निकल जाओ। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ, हमसे दूर जाओ, हमसे दूर जाओ। फटे दो बॉम्ब, तुम लोग सब चले जाओ। सरगम पिताजी, मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी? हाँ हाँ पापा, मुझे लगता है हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अरे तू क्या कर रहा है, वहां जा, जाओ उधर। एकलव्य सरगम, हाँ हाँ पापा, अरे पीछे जा, पीछे जा। सुन, हमारे 70 रुपये पड़े हैं वो ग्रोसर के पास। वो पिछले बिल में उसने ज्यादा ले लिए थे, अगले बिल में एडजस्ट कर लेना। ए पापा। और आगे से खर्चा भी कम करना। ये तो सारे गधे हैं, तुझे ही अब सब कुछ संभालना है बेटा। सरगम अक्की का ख्याल रखना, उसे माँ तो नहीं दे पाया, अब उसका पिताजी भी जा रहा है। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। क्या कर रही है तू? नहीं नहीं, अगर बम फटना लिखा है तो लिखा रहे, सब फटेंगे एक साथ। चलो अपू, मेरी बात समझ, तुम सबको दुकान संभालनी है, वरना वो गुप्ता दुकान ले जाएगा बेटा। नहीं, ए तू नीली वार काट, सब फटेंगे एक साथ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, एक मिनट, बम तो रखो पहले सामने। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा बात करो, तुम हमारी बात सुनो। रेडी? ओके, 3, 2, 1। सरगम के ये सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी। सरगम के ये सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी। ये क्या है? Will you marry me, एकता? ओह, उसका मतलब ये बहुत नहीं है, उसके जैसे लिखने वाला फैंसी गिफ्ट है। उस पे किसी ने अपने प्यार का मैसेज लिखा है, किसी ने किसी एकता को शादी के लिए प्रपोज किया है। मतलब किसी लड़की ने लड़की को गिफ्ट दिया और उसने बिना देखे कचरे में फेंक दिया। हाँ, नाराज होगी अपने बॉयफ्रेंड से, इसीलिए उसका गिफ्ट फेंक दिया कचरे के डब्बे में। ऐसी करती लड़कियां। और वो गिफ्ट हमारा एलियन उठा के ले आया। अरे फेक बम है, फेक बम है। अब समझ गया, फेक बम, फेक बम, फेक बम, डब्बा। लेकिन हमारे हाथ तो अभी भी चिपके हैं। अरे हमारे हाथ तो अभी भी चिपके हैं। हाँ, हाँ, मेरे पास इस कम को छुटाने का सलूशन है। अरे जल्दी डाल, वरना मैं फट जाऊंगा यहीं पे। छोड़, वरना यही फट जाऊंगा मैं। थैंक गॉड। क्या हुआ भाभी? अरे सरगम बेटा, तू रो रही है, क्या हुआ बेबी? किसी को कुछ हो जाता तो? अरे लेकिन किसी को कुछ हुआ ही नहीं ना, देखो सब यही है। हाँ चल चल चल, अब तू तेरा मूड ऐसे बिगाड़ मत। चल एक काम कर, हाँ सबके लिए कुछ अच्छा सा मीठा बना, गाजर का हलवा बना। हाँ मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तू टेंशन मत ले, हम बाहर से मंगवा लेते हैं।
मुझे ही नहीं पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ। पर सटका नहीं जाता है ना। हाँ जानता हूँ भाई, जानता हूँ। क्या हुआ पिताजी? सरगम गाजर का हलवा बना रही है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक बम झेल लिया तो दूसरा बम झेल लेंगे। लेकिन देखो उसके सामने है ना, सब तारीफ ही करना। हाँ शुक्र करो केक नहीं बना रहे। अरे हटो हटो, कचरा आने दो। अरे ये रहे वो महानुभव जिन्होंने अपने घर ये कचरा लाया था अपने घर वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अरे ये टीवी पे कैसे आ गया? अरे पापा वो टीवी वाले भारी है ना। सर आप पॉइंट टू पॉइंट चैनल के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सबसे कहना चाहूंगा, मैं सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि वो हर सोमवार को खुद लोगों के घर पे कचरा डाले, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हा? अरे इसे इसे बंद करवाओ, ये मुझे जेल भिजवाएगा। हाँ हाँ ठीक है, माफ कर दिया। मैं माफी नहीं मांग रहा हूं। शैंकी तो चला गया पर उसका परिवार अब भी मेरे दिल में है। जानता हूँ जानता हूँ। दिल में नहीं है पापा, मेरे हाथों में है। जाओ बच्चों, इसे तुम्हारा ही घर समझो, जाओ। देखो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.